तो आज के साइंस डीआईवाई के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले खुद की एक कार। अब आप लोग कार सुनकर सोचेंगे, सुनील भैया सही में कार बनाने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग एक बेहतरीन सी बलून पावर्ड कार घर पे बनाने वाले हैं। बहुत सस्ती, बहुत मजा आएगा इसको बनाने के लिए। अब आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि भैया 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 बनाना है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए बेसिक स्टेशनरी आइटम्स, जैसे कि आपको चाहिए ये सीजर, आपको चाहिए स्केल, आपको चाहिए ये पेन, आपको चाहिए कंपस, ठीक है ना। अब ये भी क्यों चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, स्पेसिफिक रोल क्या है। फिर आपको चाहिए एक गत्ता, यानी कि आपको चाहिए कार्डबोर्ड। अब इस कार्डबोर्ड का डिमेंशन क्या है, जो मैंने लिया है मैं आपको वो बता देता हूं। मैंने लिया 13 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड। इसको आप मेजर करने के लिए स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैंची से काट सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना तो भैया पता है हमको, ठीक है ना। तो 13 बाय 6 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड आप ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने कलर्स रखे हुए, और मैंने कैसे डेकोरेट किया, बिल्कुल रैंडम कलरिंग करी मैंने, और मैंने कुछ इस तरीके से इसको कलर कर दिया, ठीक है। आई होप ये देख पा रहे होंगे आप, आई होप ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, अब कार का नाम है बलून पावर्ड कार, तो एक बलून आपको डेफिनेटली चाहिए रहेगा। उसके बाद आपको कुछ बॉटल कैप्स चाहिए रहेंगे, ये बॉटल के कैप्स हैं। अब इनमें यहाँ पे होल क्यों किया हुआ ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये बॉटल कैप्स जो आपके पास पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है, या आपके घर में अगर जूस की बॉटल्स आती हैं तो उसके अंदर जो कैप्स हैं, है ना, उन बॉटल्स को मत फेंकिएगा, उनकी जो कैप्स हैं वो आप निकाल के इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए ये टेप, एडहेसिव टेप। उसके बाद आपको चाहिए पेपर स्ट्रॉ। अब यहाँ पे मैंने एक पेपर स्ट्रॉ ली है और आप देख सकते हैं ये कुछ कट्स यहां पे हैं, तो ये बेसिकली मैंने क्या किया था, पेपर स्ट्रॉ को 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स में मैंने काटा, और ये एक बचा हुआ पार्ट जो है ये भी हमारे काम आएगा। क्या काम आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स है मेरे पास, और उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट भी मेरे काम आएगा, मैं आपको कैसे आएगा बताऊंगा। उसके बाद यहां पर मैंने लिया है, यहां पर है हमारे पास 2 बारबेक्यू स्टिक्स, ठीक है। अब इनके रिप्लेसमेंट पे आप जो सीख वाली झाड़ू होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जो डिमेंशन है ये बेसिकली है 12 सेंटीमीटर की, कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, तो 2 आपको बारबेक्यू स्टिक्स को यूज करना है। तो आई होप ये जो सामान आपको चाहिए ये आपको क्लियर हो गया है। तो आइए अब जानते हैं कि इसको बनाना कैसा है, ठीक है। तो यहां पर हमने हमारा ये कार्डबोर्ड यानी जो गत्ता है इसको लिया, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर इस तरीके से रख दूंगा, ठीक है। अब यहां पे जो आपके पास ये 6 सेंटीमीटर के जो पीसेस थे स्ट्रॉ के, इनको आपको लेना है और इनको आपको यहां पर इस प्रकार रख देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये यहां पे मैंने इसको रख दिया। उसके बाद आपको ये एडहेसिव टेप को यहां से निकालना है और एडहेसिव टेप को यहां पर इनके ऊपर चिपका देना है। तो आई होप आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इसके ऊपर यहाँ पर इसको चिपका दिया है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको लगा देने के बाद इसको तो मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपके पास जो कैप्स हैं इनको आपको लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको होल करना है यूजिंग अ कंपास, ठीक है ना। तो आप ये कटर के थ्रू भी कर सकते हैं, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर में हमें क्या करना है, होल करना है, ठीक है ना। इसके बिल्कुल सेंटर में हमें होल करना है, तो आप चाहें तो बड़ों की गाइडेंस भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, होल कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा यह कंपास यहां पर मुड़ चुका है, लेकिन होल तो हो गया है, लेकिन कंपास थोड़ा सा मुड़ गया है क्योंकि इसने कंपास ने बहुत सारे होल्स यहां पर किए हैं, इस वजह से यहां पर यह मुड़ चुका है। तो अब
इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो होल कैसे करना है मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। देखिए ये पकड़ा मैंने, इसको बिल्कुल यहाँ बीच में रखिए और इसको ऐसे गोल घुमा दीजिए, ठीक है। इससे भी आपका एक बहुत बेहतरीन सा एक होल क्रिएट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप इसको बीच में रखिए, ठीक है, और ऐसे इसको घुमाते जाइए, ठीक है। इससे भी आपका एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से नजर आ रहा है और यहां पे इसके अंदर एक होल हो चुका है। बहुत बढ़िया, आई होप ये होल सभी को विजिबल है, ये होल सभी को विजिबल है, आई होप ये होल आपको विजिबल है, ठीक है। तो ये होल हमने यहाँ पे कर दिया है और क्योंकि हमें इसको चलाने के लिए चार यहाँ पर व्हील्स चाहिए तो इन चारों के अंदर मैंने पहले ही होल कर दिया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि चारों के अंदर मैंने होल पहले ही कर दिया था, ठीक है। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा। तो अब हम अपने व्हील्स को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे व्हील्स तो हो चुके हैं रेडी, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये हमने स्ट्रॉ ली और इसके अंदर इस बलून को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। इस बलून को आपको क्या करना है, फिक्स करना है और इस पे टेप लगा देनी है, बिल्कुल टाइट इस पे टेप लगा देनी है। एक असेंबली को मैंने यहाँ पे आपका वक्त बचाने के लिए पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए कुछ इस प्रकार आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने टेप लगा रखा है इस बलून के ऊपर, ये देखिए फूल भी रहा है बढ़िया से, बहुत से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस तरीके से मैं रख देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर से अब ये जो आपकी बारबेक्यू स्टिक्स हैं, ये एक तरीके से आपका एक्सेल का काम कर रही है, ठीक है ना। ये एक्सेल का काम करने वाली है। इसको निकाला यहां से, इसको मैंने निकाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन एक्सेल्स में मैं अपने व्हील्स को फिट कर रहा हूं। देखिए तो एक एंड पे मैंने यहां पे व्हील फिट कर दिया है, और अब इस पे एक और व्हील को फिट कर देता हूं, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा व्हील यहां पे फिट हो चुका है, देखिए फ्रीली मूव कर रहा है, हाँ फ्रीली मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहां पर भी मैं इसमें भी फिट कर देता हूं फटाफट से, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारी ये जो व्हील असेंबली है, ये व्हील्स को हमने लगा दिया है ना, ये बढ़िया से हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको इसके ऊपर यहां पे फिक्स कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं इसके ऊपर यहां पे फिक्स कर देता हूं, यहां पे लेता हूं मैं एक टेप को और अब इसको इसके ऊपर मैं यहां पे फिक्स कर दूंगा, अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सुनील भैया इसके पीछे की साइंस क्या है, ये भी तो बता दीजिए। तो देखिए इसके पीछे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। कैसे? तो जैसे ही हवा इसमें से एस्केप करती है तो वो लगाती है एक्शन फोर्स और इसी का रिएक्शन लगता है गाड़ी पे, जिस वजह से गाड़ी आगे की तरफ चलने लगती है। इसका दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो एनर्जी के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं वो ये है कि जैसे हम इसमें हवा भरते हैं तो यहां पे जो हमारी एनर्जी स्टोर हो रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये बलून इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, खिंच रहा 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 है ना। तो एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और फिर इस एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोशन, यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आप सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे
इस कार को जरूर से बनाएंगे और रेसिंग करेंगे आपस में, भाई बहन जो सिबलिंग्स है, कजिन्स है, आपस में रेसिंग जरूर करिएगा, बहुत मजा आएगा।